नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। उत्तराखंड में भू कानून को लेकर बनाई गई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी है। कमेटी के सदस्य राजेंद्र अजय का कहना है कि मुख्यमंत्री आवास में समिति ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी, जिसमें 23 संस्तुतियों को शामिल किया गया है। भू कानून को लेकर हिमाचल की तर्ज पर कुछ सुझावों को शामिल किया गया। वहीं समिति के द्वारा सशक्त भू कानून को लेकर सुझाव दिए गए। बता दें कि आज मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में समिति के अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार, समिति के सदस्य और श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के सदस्य अजेंद्र अजय, पूर्व आईएएस अधिकारी अरुण ढोंडियाल, डीएस गर्वयाल और समिति के पदेन सदस्य सचिव के रूप में हाल तक सचिव राजस्व का कार्यभार संभाल रहे दीपेंद्र कुमार चौधरी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट की। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार शीघ्र ही समिति की रिपोर्ट का गहन अध्ययन कर व्यापक जनहित और प्रदेश हित में समितियों की संस्तुतियों पर विचार करेगी और भू कानून में संशोधन करेगी। जो निवेश है लगातार प्रदेश में, जो जनता है और जो विभिन्न संगठन है, वो हिमाचल की तर्ज पर भू कानून लागू करने की मांग करते रहे हैं। तो हम लोगों ने जो हिमाचल का भू कानून है उसका भी विस्तृत रूप से अध्ययन किया और उसमें जो प्रावधान हमको उचित लगे, कई प्रावधान तो हमारे पहले से मौजूद थे जो हिमाचल के अनुरूप थे, लेकिन उसमें हिमाचल के जो प्रावधान है उनमें जो हमारे वर्तमान में जो प्रावधान नहीं थे उन प्रावधानों को भी हमने सम्मिलित करने का प्रयास किया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी हितेश त्यागी हमारे साथ जुड़े हैं। हितेश, देखिए सबसे अहम चीज है कि भू कानून की मांग लंबे वक्त से उत्तराखंड में की जा रही थी और अब इसको लेकर एक रिपोर्ट जो है वो मुख्यमंत्री को सौंप दी गई है। जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड के अंदर लगातार ही भू कानून की मांग पिछले कई वर्षों से उठ रही है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संज्ञान भी लिया है और एक इसमें कमेटी गठित की गई है जिसमें अजेंद्र अजय के नेतृत्व में कई एक जो रिपोर्ट है वो सौंप दी गई। उसमें 23 संस्तुतियाँ हैं और उसको लेकर अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर यहाँ इसमें कानून को लागू करने की मांग यहाँ पर चल रही है, क्योंकि जिस तरह से बाहरी अन्य राज्यों से लोग यहाँ पर आकर रह रहे थे, अन्य राज्यों से लोग यहाँ पर आकर अपना कारोबार कर रहे थे, तो उनमें कहीं ना कहीं संशोधन होने की भी उम्मीद है। और जिस तरह से बाहर, क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि जो बाहर से आने वाले जो उद्योगपति हैं, जो यहाँ पर उद्योगों को बढ़ावा देना उत्तराखंड के अंदर बहुत जरूरी है, तो वहीं बाहर से आने वाले जो लोग हैं, जो रहने के लिए लोग यहाँ पर आते हो, एक ही नाम पर एक ही रजिस्ट्री यहाँ पर होने की बात की गई है। जी बिल्कुल, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे हितेश। देश भर में कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी नेता तंज कस रहे हैं और बीजेपी नेताओं के तंज का जवाब उत्तराखंड कांग्रेस के प्रवक्ता आदिल सिंह ने दिया। उन्होंने कहा कि तीन मुद्दों पर कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। पहला मुद्दा महंगाई का है, दूसरा मुद्दा है सामाजिक तनाव का, तीसरा और आखिरी मुद्दा है बीजेपी सरकारों द्वारा जनता की आवाज दबाने का। बीजेपी लगातार इस कोशिश में है कि विपक्ष की आवाज को दबाकर जनता की आवाज को ठंडे बस्ते में रखा जाए। वहीं कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से बीजेपी से जानना चाहती है कि कब तक सत्तारूढ़ बीजेपी इस तरह की राजनीति करती रहेगी। सारा यात्री है जो AICC की तरफ से है और हर राज्य में स्टेट PCC 100 यात्री और कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स हैं, वर्कर्स हैं, उन्हें इकट्ठा करेगा। पर हमारा ये मानना है कि जैसे जैसे यात्रा बढ़ेगी, लोग, उस स्थानीय लोग और बाकी सारे लोग, और ये हमारा निवेदन है बाकी दलों के लिए भी, ये केवल कांग्रेस पार्टी की ओर से यात्रा नहीं है, ये देश के लिए यात्रा है। सो जो भी अन्य दलों के लोग हैं, नागरिक हैं, स्थानीय नागरिक हैं, बुद्धिजीवी हैं, सामाजिक सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट हैं, पत्रकार हैं, हमारा निवेदन है वो हमारे साथ जुड़े और मुद्दों की राजनीति करें, क्योंकि आज देश की यह ज़रूरत है कि मुद्दों की राजनीति पर हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी है। हमारे साथ सहयोगी हितेश बने हुए हैं। हितेश, देखिए सबसे अहम चीज़ है कि भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कांग्रेस कर रही है, लेकिन इस भारत जोड़ो यात्रा पर भी आरोप प्रत्यारोप जो हैं वो शुरू हो गए हैं। बीजेपी तंज कस रही है, कांग्रेस उस पर पलटवार कर रही है। हितेश, मुझे सुन पा रहे हैं आप?
चलिए संपर्क नहीं हो पा रहा है, आगे रुक करेंगे। उत्तराखंड सरकार और शिक्षा विभाग की एक अनोखी पहल होने जा रही है। राज्य में गरीब, अनाथ और कूड़ा बीनने वाले बच्चों के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य के प्रत्येक जिले में आवासीय हॉस्टल बनाए जा रहे हैं। इनकी जानकारी शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने दी। उन्होंने कहा कि राज्य के प्रत्येक जिले में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय हॉस्टल बनाए जा रहे हैं, जिसमें बच्चों की देखरेख और खाने पीने की व्यवस्था शिक्षा विभाग द्वारा की जाएगी। इस तरह नौनिहालों के भविष्य को देखते हुए धामी सरकार ने यह बड़ा फैसला किया, जिसकी राज्य का कोई भी बच्चा जो है वो शिक्षा से वंचित ना रह सके। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय हॉस्टल बनाए जा रहे हैं और इसमें उन गरीब बच्चों को पढ़ाया जाएगा जो कि आर्थिक रूप से बहुत दिक्कत में हैं या जिनके माँ बाप जो है उनसे बिछुड़ चुके हैं। ऐसे बच्चों को हम अपने अपने हर जिलों में एक एक हॉस्टल बना रहे हैं, उनके रहने की खाने की सारी व्यवस्था जो है सरकार के द्वारा की। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र के रमेला डूंगरी गांव पहुंची, जहां कैबिनेट मंत्री ने रमेला डूंगरी गांव में 24 मीटर पैदल स्पान स्टील गार्डर पुल का शिलान्यास किया। राज्य योजना के तहत बन रहे इस पुल की लागत 132.20 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री ने सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र स्थित नेकाने पुल का भी शिलान्यास किया। ग्राम नेकाना में बन रहे पुल की लागत 163.69 लाख बताई गई है। जनता को संबोधित करते हुए रेखार्या ने कहा कि पुल के निर्माण को लेकर वो कई सालों से कोशिश में थी, लेकिन 2016 में पहले वो दूसरे दल में थी। ऐसे में पुल के निर्माण में कई दिक्कतें आई, लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल है, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सहयोग से इन पुलों के निर्माण की वित्तीय स्वीकृति मिली। उन्होंने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी ही है जिसके नेतृत्व में वो लगातार विकास के कार्य कर पा रही है। देखिए, हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में नदी का प्रवाह हमेशा से रहा और नदी के प्रवाह में आर पार जो है हमारे गांव बसे हुए हैं और ये पुल जो है वो दोनों क्षेत्रों को जोड़ने का काम करता है, जिसमें हमारे बच्चे भी, हमारे बुजुर्ग भी, हमारी गर्भवती महिलाएं भी, हमारे अस्वस्थ व्यक्ति, सभी ग्रामवासी जो है आवागमन का काम करते हैं। जो कि 2010 की आपदा हो, 2013 की आपदा हो, दोनों ही आपदाओं में हमारे दो ये महत्वपूर्ण पुल जो कि एक नैकाना में और दूसरा रमेला डुंगरी में था, वो बह गए थे, जिसके कारण से आज तक वह पुल नहीं बन पाए थे और जिसमें डिज़ाइन से लेकर अन्य चीज़ों को लेकर काफ़ी टेक्निकल सब्जेक्ट उसमें ऐसा था और कुछ कोरोना कालखंड के कारण जो है काम में पिछड़ा हो गया था। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मेरे क्षेत्र की आवाज़ सुनी, जिन्होंने मेरी आवाज़ सुनी और आवाज़ सुनने का आज मुझे लाभ यह हुआ कि आज हमें इन दोनों ही पुलिया का जो है आज शिलान्यास किया गया। हमारे साथ सहयोगी हितेश बने हुए हैं। हितेश, जिस तरह से कैबिनेट मंत्री रेखार्या का कहना है कि सरकार, माफी चाहिए, पार्टी बदलने के बाद जब वो आज भारतीय जनता पार्टी में है तो विकास कर पा रही है और इसी के क्रम में देखिए दो पुल जो हैं वो जनता को समर्पित किए गए हैं, जनता का क्या कहना है इस पहल पर, क्योंकि लंबे वक्त से उनकी मांग थी। जी बिल्कुल, देखिए जिस समय 2013 में एक त्रासदी आई थी, आपदा आई थी और आपदा में काफ़ी कुछ हताहत हो गया था, काफ़ी लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद से रेखा आर्या जो तत्कालीन उस समय कांग्रेस में थी, तो उसके बाद में जिस तरह से रेखा आर्या बीजेपी में आई और लगातार यहाँ पर विकास और पुनर्निर्माण का कार्य जारी है और जिस तरह से दो पुल जो कि सोमेश्वर विधानसभा में आते हैं और आज इनका शिलान्यास यहाँ पर रेखा आर्या ने किया है, तो कहीं ना कहीं ये भी जनता के लिए बेहतरी के लिए कार्य किया गया है, क्योंकि आगे भी कई ऐसे पुल हैं जो बनने हैं, जिससे कई ऐसे गांव हैं आज भी उत्तराखंड के जिनका दूसरी सड़कों से संपर्क आज भी टूटा है, वो भी पैदल जाकर वहां पर रास्ता पकड़ पाते हैं। जी बिल्कुल हितेश, ये भी जानना चाहेंगे कि क्योंकि ग्रामीणों ने इस बात का स्वागत किया है, क्योंकि खासकर जब हम पहाड़ी इलाकों की बात करते हैं, भौगोलिक स्थिति ऐसी है उत्तराखंड की कि पैदल चल पाना संभव नहीं होता और खासकर पुल निर्माण के बाद ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है।
जी बिल्कुल, देखिए पर्वतीय जीवन इतना आसान नहीं होता है, चाहे वो वहाँ पर जानवरों की बात हो, चाहे वहाँ के जो पर्वतीय क्षेत्र में रहने वालों की बात हो, क्योंकि सड़क से गांव का जो संपर्क होता है वो कम से कम 8 से 10 किलोमीटर का होता है। घुमावदार वो रास्ते होते हैं, जब वो रास्ते टूट जाते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ के स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। छोटे छोटे पुलों के माध्यम से लोग हाईवे तक आ पाते हैं, बड़ी सड़क तक आ पाते हैं, जिसके कारण से कई ऐसे पुल है जो ध्वस्त हो गए थे आपदा में, अब तक उनका कार्य नहीं हो पाया। लेकिन अब जिस तरह से बीजेपी की सरकार यहाँ पर लगातार पुनर्निर्माण का कार्य कर रही है, तो कहीं ना कहीं आम जनता है जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये चीज़ें फायदेमंद है और वो फिलहाल सरकारों का भी धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। जी बिल्कुल हितेश, बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। खबर अल्मोड़ा से है। अल्मोड़ा दौरे पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। मीडिया से मुखातिब रेखा आर्या ने कहा कि 2025 तक उत्तराखंड में पुरुष और महिलाओं के लैंगिक अनुपात में समानता लाने का प्रयास सरकार कर रही है। इसके लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बालिकाओं के जन्म से लेकर बालिग होने तक विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे कि देवभूमि को देवियों के रूप में जाना जाएगा। देवभूमि के रूप में जाना जाता है, तो मैं मानती हूँ कि इस देवभूमि को देवी की भूमि बनाना है तो निश्चित रूप से हमें लैंगिक समानता की ओर बढ़ना पड़ेगा। लड़की को पैदा होने से लेकर लड़की को पैदा होने के बाद के दोनों हमको समान अवसर देने होंगे। जब ये समान अवसर हम दे देंगे तो निश्चित रूप से हमारा उत्तराखंड जो है वो देवी की भूमि में भी जाना जाएगा। और साथ साथ में मैं ये कह सकती हूँ कि जो हम लैंगिक समानता 2025 में उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हम कह रहे हैं कि ये दोनों समान रूप से आने चाहिए, वह भी उस दिशा में हम लोग जो है गंभीर प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ सहयोगी हितेश बने हुए हैं। हितेश, देखिए कई कार्यक्रमों में रेखा आर्या के द्वारा शिरकत की गई है। जी बिल्कुल, देखिए रेखा आर्या की बहुत अच्छी पहल कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से उत्तराखंड को देवी को देवभूमि तो कहा ही जाता है, और कहीं ना कहीं जिस तरह से रेखा आर्या देवी की भूमि कहने की बात इसमें कर रही है, और जिस तरह से समान लैंगिक समानता की बात यहाँ पर कर रही है, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार के जो कैबिनेट मंत्री हैं ये कहीं ना कहीं उनकी सार्थक पहल, और ये सार्थक पहल इन्होंने कावड़ में छेड़ी थी, और जिस तरह से इस पर ये कार्य कर रही है कहीं ना कहीं आगे ये सब भी लग रहा है, क्योंकि ये पहल इनकी जो है वो सार्थक हो सकती है। जी बहुत शुक्रिया हितेश इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, हरिद्वार जनपद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से बड़ी खबर। आज से जमा होंगे नामांकन पत्र, जिला पंचायत सदस्य पद के लिए नामांकन पत्र आज भरेंगे। जिला पंचायत कार्यालय देवपुरा पर नामांकन होगा। ग्राम प्रधान और बीडीसी पद के लिए नामांकन आज भरे जाने हैं। ब्लॉक मुख्यालय पर ये नामांकन होने हैं। जिला पंचायत कार्यालय में इसके लिए 3 काउंटर बनाए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। हरिद्वार जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आज नामांकन पत्र भरे जाने हैं। 3 काउंटर्स इसके लिए बनाए गए हैं। आज से नामांकन पत्र देखिए जमा होने हैं। जिला पंचायत सदस्य पद के लिए नामांकन होना है। सहयोगी संजय पुंडीर हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, आज से नामांकन पत्र जो हैं वो जमा किए जाने हैं, और ऐसे में 3 काउंटर्स बनाए गए हैं। देखिए चरण, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हरिद्वार जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है। हालांकि आज से नामांकन पत्र दाखिल किए जा रहे हैं, और आप देख सकते हैं किस तरह से जो प्रत्याशी हैं वो उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि करीब 17 महीनों के बाद हरिद्वार में चुनाव की शुरुआत हुई है, और यही वजह है कि जो लोग हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो पूरी तरह उत्साहित हैं। हालांकि चुनाव की तैयारी को लेकर हरिद्वार जिला अधिकारी लगातार बैठक कर रहे हैं, और बैठक के माध्यम से तमाम लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि चुनाव को सकुशल संपन्न कराने में प्रशासन का सहयोग करें। ऐसे में अगर पुलिस महकमे की बात की जाए तो पुलिस महकमा भी लगातार हर गांव की पंचायत में पहुंचकर लोगों को चौपाल के माध्यम से जागरूक कर रहा है, क्योंकि जब चुनाव का माहौल होता है तो किसी भी तरह का माहौल खराब ना हो, इसको लेकर पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती भी रहती है, और यही वजह है कि पुलिस महकमा लगातार लोगों के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहा है। चौपाल लगातार लोगों से अपील भी कर रहा है कि चुनाव को सकुशल संपन्न कराने में पुलिस महकमे का सहयोग करें। और आप देख सकते हैं आज
हरिद्वार के जिला पंचायत कार्यालय और ब्लॉक में किस तरह से प्रत्याशियों की भीड़ लगी है। कहा जा सकता है कि आज सभी प्रत्याशी अपने अपने पत्र है वो दाखिल कर रहे हैं और आज के बाद लगातार ही जो प्रत्याशी है वो गांव में पहुंचकर लोगों से तमाम वायदे भी करेंगे और कहा जा सकता है चुनाव को लेकर तैयारी भी करेंगे। चारू बिल्कुल संजय, ये भी जानना चाहेंगे कि अब इसके बाद, क्योंकि देखिए खासकर ये पहल जो है प्रशासन की ओर से की गई है कि किसी तरह की कोई समस्याएं ना हो। हरिद्वार जनपद में त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर पहले ही प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पे था। अब नामांकन पत्र जो है वो आज भरे जाएंगे, उसके बाद क्या? देखिए आज से नामांकन पत्र दाखिल करने की शुरुआत हो गई है। हालांकि ये प्रक्रिया 3 दिन चलेगी, यानी 6, 7, 8 तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। उसके बाद तो जो प्रत्याशी है वो लगातार गांव में पहुंचकर जनता के बीच जाएंगे, डोर टू डोर जनसंपर्क करेंगे। अगर प्रशासन की बात की जाए या फिर पुलिस महकमे की बात की जाए तो वह भी लगातार अपनी तैयारी में जुटा है, क्योंकि प्रशासन नहीं चाहता कि किसी भी तरह का माहौल खराब हो, चुनाव सकुशल संपन्न हो, इसी को लेकर तमाम बैठकें भी कर रहा है, लोगों से सहयोग की अपील भी कर रहा है। चारू चलिए बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर हरिद्वार से है, जहां भारतीय किसान यूनियन अखंड के तमाम कार्यकर्ताओं और किसानों ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर किसानों की समस्याओं के समाधान की बात कही। किसानों ने बताया कि बारिश की वजह से किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। किसानों की मांग है कि खराब हुई फसलों की फोटो कराकर जिला प्रशासन किसानों को मुआवजे का भुगतान करे। साथ ही किसानों ने गन्ना पेराई सत्र को समय से पहले शुरू करने की मांग हरिद्वार डीएम से की। जिलाधिकारी ने भी किसानों की समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। हमारे साथ सहयोगी संजय पुंडीर बने हुए हैं। संजय, किसानों की तमाम समस्याएं हैं जिनको लेकर उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। देखिए चारू, लगातार ही किसान अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हैं, तमाम तरह के ज्ञापन सौंपते हैं। ऐसे में अगर हरिद्वार की बात की जाए तो यहाँ एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर जो किसान यूनियन के नेता है वो हरिद्वार के जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे से मुलाकात की है और उन्हें ज्ञापन सौंपा है। हालांकि इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह गन्ने की पेराई सत्र होता है उससे पहले उसे शुरू किया जाए और तमाम जो मांगे हैं उनको लेकर यहां पर ज्ञापन सौंपा है। हालांकि इसके बाद हरिद्वार जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे ने किसानों को आश्वासन दिया है कि आपकी मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूरी की जाएगी। चारू तो संजय बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। जहां एक तरफ हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं, तो रुड़की के विकास खंड नारसन कार्यालय में चुनाव संबंधी व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन पहुंचे। उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की व्यवस्थाओं का जायजा लिया, साथ ही विकास खंड कार्यालय के कर्मचारियों को व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जारी है, 6 सितंबर से लेकर 8 सितंबर तक नामांकन पत्र जमा किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि नारसन विकास खंड में पंचायत चुनाव को लेकर ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए 8 एआरओ और क्षेत्र पंचायत के लिए 4 एआरओ नियुक्त किए गए हैं। आप सबको पता है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का प्रोसेस जो है वो अभी गतिमान है। 6, 7, 8 सितंबर को, कल से यहाँ पे नॉमिनेशन पेपर रिसीव किए जाएंगे। तो जो ग्राम प्रधान हैं और ग्राम पंचायत सदस्य हैं उनके लिए हमने यहाँ पे 8 एआरओस डिप्यूट कर रखे हैं। वैसे ही जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं उनके लिए 4 एआरओ डिप्यूट कर रखे हैं। एआरओस के माध्यम से ही नॉमिनेशन पेपर ब्लॉक लेवल पर रिसीव किए जाएंगे। यहाँ पे मैंने आके तैयारी देखी है, तैयारियों से काफ़ी संतुष्ट हूँ मैं। अलग अलग खिड़कियाँ बन चुकी हैं सभी नॉमिनेशन पेपर रिसीव करने के लिए, साथ में नो ड्यू सर्टिफिकेट लेने की भी अलग खिड़की बना रखी, अलग पटल बना रखा है। वैसे ही बिक्री भी जो है वो 6, 7, 8 को चलती रहेगी। लोग नॉमिनेशन पेपर खरीद के अपना नॉमिनेशन पेपर यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही छात्राओं ने राज्य सेवा परीक्षाओं में उत्तराखंड की महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। हरिद्वार के शिवालिक नगर चौक पर राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी के नेतृत्व में छात्राओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। आंदोलनकारी छात्राओं ने सरकार से क्या मांग की है, सुनाते हैं आपको। Thank you.
पहली मांग हमारी ये है कि जो उत्तराखंड महिलाओं को 30% आरक्षण मिला हुआ था वो हमें वापस करें। दूसरी मांग हमारी ये है कि जो हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है नई कट ऑफ लिस्ट निकालने के लिए, उसमें हमारी मांग ये है कि जो पहले से बच्चे सेलेक्टेड हैं वो बाहर ना हो। और तीसरी मांग हमारी ये है कि सरकार जो है इस 30% आरक्षण को ऑर्डिनेंस के थ्रू लागू करवाए। सर, हम उत्तराखंड आरक्षण महिला आरक्षण को लेकर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमारी सरकार से यही मांग है कि जो हमारा 30% क्षैतिज आरक्षण है उसको हमें वापस किया जाए और जो लड़कियां प्री एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर चुकी हैं उनको मेंस एग्ज़ाम में बैठने दिया जाए, उनको दूसरों की वजह से मूल निवासियों को यहां से बाहर मत किया जाए। हमारे साथ सहयोगी संजय पुंडीर बने हुए हैं। संजय, छात्राओं ने आरक्षण की मांग को दोहराते हुए सरकार से दरख्वास्त किया है कि उनकी मांगों को मान लिया जाए। एक बार फिर महिलाएं सड़कों पर उतरकर कहीं ना कहीं प्रदर्शन करती दिखाई दे रही है। साफ तौर पर महिलाओं का कहना है कि जिस तरह से हाईकोर्ट द्वारा आरक्षण पर रोक लगा दी है उसे बहाल किया जाए। हालांकि धर्मनगरी हरिद्वार के शिवालिक नगर चौक पर महिलाओं ने हिंदू वाहिनी के नेतृत्व में यहां प्रदर्शन किया। साफ तौर पर इनका कहना है कि जिस तरह फ्री प्रतियोगिता में जो महिलाएं हैं वो लगातार तैयारी कर रही है उनको 30% आरक्षण दिया जाना चाहिए। अगर आरक्षण सरकार नहीं देती है तो लगातार प्रदर्शन इस तरह ही जारी रहेगा। चारुल,